मोबाइल बनाने वाली शाओमी ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार, 800 किलोमीटर रेंज और धांसू स्पीड के साथ खास फीचर्स। स्मार्टफोन के साथ ही कई पॉपुलर गैजेट्स बनाने वाली कंपनी शाओमी ने लंबे इंतजार के बाद अपनी इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च कर दी हैं। शाओमी SU7 और शाओमी SU7 मैक्स नाम से दो इलेक्ट्रिक कारें आई हैं। शाओमी SU7 2.78 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप रफ्तार 210 किलोमीटर घंटा है। दुनिया भर में MI और रेडमी जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन से ग्राहकों का दिल जीतने वाली कंपनी शाओमी ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में भी एंट्री मार ली है और SU7 सीरीज की कूपे सेडान EV लॉन्च की है। टेस्ला, पोर्शा, ऑडी, BMW और मर्सिडीज बैंस समेत कई पॉपुलर कंपनियों की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देने आई शाओमी इलेक्ट्रिक कारें देखने में काफी जबरदस्त हैं। शाओमी ने शाओमी SU7 और शाओमी SU7 मैक्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया, शाओमी SU7 ने एक महत्वपूर्ण प्रगति की है, क्योंकि शाओमी स्मार्टफोन इंडस्ट्री से लेकर ऑटोमोटिव सेक्टर तक ह्यूमन एक्स कार, एक्स होम स्मार्ट इकोसिस्टम को पूरा कर रहा है। शाओमी SU7 हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने वालों के साथ यात्रा करेगा। कंपनी के मुताबिक शाओमी SU7 मैक्स 2.78 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। शाओमी SU7 5.28 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। SU7 की टॉप रफ्तार 210 किलोमीटर घंटा है और SU7 मैक्स की 265 किलोमीटर घंटा है। इसी एक कदम के साथ आधिकारिक तौर पर दो सुपरकार क्लब में शामिल हो जाता है। शाओमी ने कहा है कि कंपनी की नई इलेक्ट्रिक कारें 3 कलर वेरिएंट एक्वा ब्लू, मिनरल ग्रे और वर्डेंट ग्रीन में उपलब्ध होगी। EV में उपयोग की जाने वाली 5 मुख्य टेक्नोलॉजी मोटर्स, बैटरी, हाइपरकोस्टिंग, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और स्मार्ट केबिन है। आने वाले समय में इनकी कीमतों का भी खुलासा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि SU7 की कीमत 200,000 युआन से 300,000 युआन लगभग 25 से 35 लाख रुपए तक होगी। SU7 की बिक्री अगले साल शुरू होने की संभावना है। इसका उत्पादन चीन के मालिकाना हक वाली वाहन निर्माता BAIC ग्रुप की बीजिंग फैक्ट्री में 2 लाख वाहनों की वार्षिक क्षमता वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि OnePlus, Vivo, ओप्पो और एप्पल समेत कई टेक कंपनियां आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों को लाने की तैयारी में है। आने वाले 5 साल के अंदर शाओमी समेत अन्य टेक कंपनियों की EV भारतीय सड़कों पर दिख सकती है, जिसने EV सेक्टर में काफी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल सकती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।